छत्तीसगढ़ में अनेकों आइलैंड या द्वीपों का एक ऐसा खूबसूरत जगह जहां आप खुद को भूल जाएंगे और आप एक दिन के लिए किसी आइलैंड के मालिक भी बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हम लोग आए हैं मॉरीशस, आप छत्तीसगढ़, जिसको गोल्डन आइलैंड और टिहरी सराई भी बोलते हैं। यहाँ पानी का काफ़ी ज़्यादा जल भराव है, जिसके बीच में काफ़ी छोटे छोटे आइलैंड हैं जिसपे बोटिंग के थ्रू जाते हैं और लोग यहाँ काफ़ी इंजॉय करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। काफ़ी अच्छा जगह है और आपको दिखाएंगे आज हम लोग। दोस्तों, यह गोल्डन आइलैंड बिलासपुर अंबिकापुर हाईवे पर केंदई और मोरगा के बीच स्थित है। मुख्य मार्ग से 7 किलोमीटर अंदर टिहरी सराई गांव को पार कर जाना पड़ता है। दोस्तों, लास्ट का 2 किलोमीटर ऑफ रोडिंग है, लेकिन चारों तरफ का प्राकृतिक नज़ारा ऐसा है कि आपको उसका एहसास ही नहीं होगा। दोस्तों, गोल्डन आइलैंड पहुंचने पर आपको चारों तरफ नीला पानी और बीच बीच में टापू या आइलैंड ही दिखाई देंगे। जहां तक आपका नज़र जाएगा, सिर्फ आइलैंड और नीला पानी दिखता है। ये देखिए, अगर आप यहां घूमने या पिकनिक एंजॉय करने आना चाहते हैं तो आपको अपना खाने पीने का सामान खुद लेकर आना पड़ेगा, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहें तो किसी भी आइलैंड में बोट से जाकर खुद उसका मालिक बन सकते हैं। दोस्तों, यहाँ अभी भी पारंपरिक रूप से बनाए गए लकड़ी के नाव ही उपयोग में लिए जाते हैं और ये हर सीजन में चलते हैं, क्योंकि आगे एक बगबूढ़ा नाम का गांव है जहाँ लोग सिर्फ नाव से ही जाते हैं। अपने मोटरसाइकिल और सामान को नाव पर लादकर उस पार जाते हैं और उधर से लोग इधर। फ्रेंड्स, यहाँ का पानी इतना क्लियर है कि 6-7 फीट नीचे आप इजीली देख सकते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो बोटिंग का मज़ा ज़रूर लें। नाव वाले इसमें कई बार ऐसा फेरा लगाते हैं, इस तरफ के लोगों को उस तरफ और उस तरफ के लोगों को इस तरफ पहुंचाते हैं। अगर आप घूमने गए हैं, बोटिंग करना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपये चार्ज है, ज़रूर करें। हम लोग दूसरे किनारे पर आ गए हैं। ये देखिए, अभी नाव किनारे लगाएंगे और आगे बगबूढ़ा गांव है। दोस्तों, अगर आप घूमना चाहते हैं तो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ छत्तीसगढ़ के इस मॉरीशस पर ज़रूर आएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।